अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमतें बढ़ने से सोना चांदी के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सराफा बाजार में कारोबारियों में मायूसी छाई हुई है। सोने के रेट प्रति 10 ग्राम उछाल आया है, जिसके कारण मार्केट में खरीदारी के लिए लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में सराफा व्यापारियों को मंदी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में कोरोना के चलते अभी तक जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ सोने चांदी की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सराफा बाजार में कारोबारियों में भी मायूसी छाई हुई है। लॉकडाउन से पहले 24 कैरेट सोने के दाम 38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। सोने के दाम में 11,000 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। अब सोने के दाम 49,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। वहीं चांदी के दामों में भी प्रति किलो 3,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लॉकडाउन में जहां 3 माह से पूरे देश में कामकाज ठप है, इसके बावजूद सरकार ने सोने चांदी के रेट में बढ़ोतरी की है। सराफा व्यापारी महेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के बाद बाजार में काम में मंदी आई है। सोने के रेट में प्रति 10 ग्राम उछाल आया है, जिसकी वजह से मार्केट में खरीदारी के लिए लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से भी ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें और घाटा झेलना पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में दाम कम होंगे और बाजार में तेजी आएगी। कि कोरोना के चलते तो पूरा बाजार में मंदी का माहौल है, तो उस तरीके को अगर देखें हम, तब तो रेट कम होने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद रेटों में तेजी आ रही है। इसका कारण ये मान के चलिए, ये आपका इंटरनेशनल मार्केट तेज है, डॉलर का भाव नीचे नहीं जा रहा है, तो वही कारण रह रहा है जी। कि आज का भाव जैसे 49,000 से ऊपर चला गया है सोने का भाव, तो इसका जो पूरा का पूरा असर है वो कस्टमर पे भी पड़ेगा, मार्केट में भी पड़ेगा। इतनी तेज़ी होने के बावजूद भी कैसे सोना बेचेंगे हम? अगर सोने का भाव कम होगा तभी कस्टमर आएगा। कम भाव में ही सबका भला है, इतनी तेज़ी में तो नहीं है फिलहाल। बाकी देखो अभी क्या बनता है, लेकिन जो आसार है अभी तो फिलहाल 50,000 क्रॉस करने के ही आसार है। चांदी का भाव की रेट करते हैं तो चांदी भी आपका 50,000 के आसपास पहुंच गई है किलो का भाव। तो पहले जो था 46,000-47,000 था, अभी थोड़े दिनों के अंदर अंदर ये 50,000 तक पहुंच गया। तो चांदी आने वाले समय की तो यही रह रहा है कि जिस हिसाब से भाव की तेज़ी है, बाज़ार मंदा अब भी है तो शायद कल भी होगा। जब तक ये तेज़ी थोड़ा नीचे नहीं आ जाती तब तक बाज़ार में कस्टमर का आना मुश्किल है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।